2024 के राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने विपक्षी दलों को हटाने के लिए नई तरकीबें लगा रही है। वहीं 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों में से भी एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक इंसान की प्रतिक्रिया कुछ खास नजर नहीं आ रही, जो कि है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर होने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। 2021 में बंगाल में हुए चुनावों में भी ममता ने नरेंद्र मोदी को अच्छे अंकों से मात दी थी। फिर 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में ममता ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर खेला होई का नारा यूपी को दिया और बीजेपी मुक्त भारत का नारा कायम रखा। लेकिन 2024 के चुनावों को लेकर ममता की कोई खास प्रतिक्रिया अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा बताया कि ममता 24 में किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर वार करने वाली है, जो कि ममता की ही रणनीति को आगे लेकर जाएगा। के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिसने मोदी को 2024 को लेकर चुनौती दी है। केसीआर और नरेंद्र मोदी के बीच कई वक्त से 36 का आंकड़ा चल रहा है। दरअसल केसीआर देश में एक ऐसे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ना तो बीजेपी शामिल होगी और ना ही कांग्रेस। केसीआर की हिंदी पर अच्छी पकड़ होने के कारण केसीआर पूरे देश की जनता को अपने भाषण से हक्का बक्का कर देते हैं। और ममता बनर्जी का केसीआर को समर्थन करने का एक कारण ये भी है कि केसीआर की भाषा पर अच्छी पकड़ है, जिससे वो अपनी बात पूरे देश के सामने, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के सामने रख सकते हैं। ममता बनर्जी समेत तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का समर्थन भी केसीआर को मिला है। केसीआर हमेशा से ही ममता की तरह बीजेपी की पॉलिसीज की आलोचना करते आए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सभी गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी पार्टी का चेहरा बनकर केसीआर 2024 में मोदी को टक्कर देंगे या नहीं। लेकिन तब तक देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।